हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में मैं आपको गेमिंग में कैसे करियर आप बना सकते हैं, एज अ गेम डिज़ाइनर कैसे करियर बना सकते हैं। आप बहुत सारे गेम्स देखे होंगे ज़िंदगी में, और आप कभी कभी मोबाइल गेम्स देखते हैं, कभी कंप्यूटर गेम्स देखते हैं। पहले ज़माने में कंसोल वाले गेम्स आते थे जिसमें आप खेलते थे, ऊपर से नीचे चीज़ें गिरती थी एंड देन यू हैव टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स। तो ये गेम जो होता है ये कैसे बनता है, किस तरीके से ये प्रोसेस होता है बनाने का, हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग डीप में जाएंगे, डीप में देखेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे आप गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, ऑल दोज थिंग्स वी विल गोइंग टू डिस्कस। सो बिफोर दैट आपको बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वन ऑन वन कंसल्टेंसी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जहाँ से वी विल बी गोइंग टू हेल्प यू टू सेलेक्ट योर करियर फोकस। करियर के बारे में आपको कैसे जानकारी लेना है, किन किन जगहों पर आप जा सकते हैं, क्या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को वी विल बी गोइंग टू पिच यू एंड देन आप जो चाहें वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरों से इफ़ यू वांट। ऑलराइट, सो गेम डिज़ाइनर क्या करता है, गेम डिज़ाइनर डेवलपर एंड डिज़ाइनर। ओके, सो गेम डिज़ाइनर आर द डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर ऑफ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। तो गेम डिज़ाइनर जो होते हैं एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है, उसके डेवलपर और डिज़ाइनर होते हैं। ये इंक्लूड करता है आपके विजुअलाइजिंग चीज़ों को, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग द कंप्यूटर्स एंड द वीडियो गेम्स। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिक्स होती हैं, वीडियो गेम के अंदर जो ग्राफिक्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं आप, वो होता है गेम डिज़ाइनर। तो ये आप कैसे कैसे गेम, अलग अलग लेवल के गेम्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपका पजल्स होता है, कैरेक्टर होता है, स्टोरी लाइन होती है, एनिमेशन होता है, आर्ट होता है। ये जो गेम होता है ना, ये पूरा जैसे मूवी बनती है वैसे सारी चीज़ें, पूरा गेम का एक आर्किटेक्चर होता है, पूरा इको सिस्टम होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। बिकॉज आप गेम में आवाज़ें सुनते हैं, आप गेम में चीज़ों को देखते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि जो रियल लाइफ चीज़ें हैं उसे रियल लाइफ को एनिमेटेड फॉर्म में लेकर आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा करते हैं, तो आप कोड्स राइट करते हैं एंड देन दिस हैपेंस। तो विद द ग्लोबलाइजेशन एवर इन्वॉल्विंग वर्ल्ड, गेम्स हैज बिकम अक्रॉस द वैरायटी ऑफ द फॉर्मेट्स लाइक पीसी, कंसोल, मोबाइल, वर्चुअल और एग्यूमेंटेड रियलिटी। ये सारे सेक्शंस हैं गेम के, तो आप किन किन चीज़ों पर जाना चाहते हैं ये बात का पार्ट होगा टिल द टाइम यू आर डेवलपिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको गेम डिज़ाइनर बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको मेन स्किल्स जो होती हैं आपकी मर्ड क्रिएटिविटी होती है, टेक्निकल स्किल होता है। ऑल राइट, सो जो स्किल है आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल लगता है, और पैशन फॉर गेमिंग टू क्रिएट कटिंग एज गेम्स। रियलिटी आप देखें, दिन पर दिन देखें गेम्स की जो रियलिटी है धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रही है। तो ये इवॉल्विंग जो है ये काफ़ी समय से लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसके साथ आपको हैंड ऑन हैंड होना पड़ेगा। अब यहाँ पे गेम्स के लिए पैशन क्या है आपका, तो जो पैशन आपके पास चाहिए, स्किल रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको पहली चीज़ पैशन चाहिए, नॉलेज ऑफ कोडिंग लैंग्वेज चाहिए, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन चाहिए, आपका जितना दिमाग चलेगा, जितना इमेजिन कर सकते हैं आप उतना क्रिएटिव होंगे, ड्राइंग स्किल चाहिए आपको, एबिलिटी टू थिंक सिस्टमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आपको अकेले भी कभी कभी वर्क करना पड़ता है, अवेयरनेस ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज, गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्किल, नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स, एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी क्या होता है, आप चीज़ों को अडेप्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे आप ढल रहे हैं तुरंत, नई टेक्नोलॉजी आई तुरंत सीख लिया आपने, इंस्टेंट काम करना चालू कर दिया, दीज आर द थिंग्स कि आप ये अडेप्टिबिलिटी कर रहे हैं। उसके बाद अटेंशन टू डिटेल्स, डिटेल होना चाहिए ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई चीज़ है, गेम है, तो उसका शेडो सही तरीके से नहीं, अभी शेडो लाइट यहाँ से आ रही है, शेडो क्रॉस में आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए, तो आपका शेडो अपोजिट साइड में आ रहा है जो दिख ही नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। ओके, आप इस तरफ से देख रहे हो, शेडो भी इस तरफ आ रही है और पीछे लाइट भी नहीं है, लाइट इस तरफ से आ रही है, तो रियल लाइफ के साथ होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, ग्रास के ऊपर पानी गिर रही है और ग्रास के ऊपर से गाड़ी जा रही है, तो वो जो ग्रास के ऊपर से पानी का पानी जो फ्लो होता है वो सारी डिटेलिंग होती है, तो ये अटेंशन टू डिटेल्स के अंदर आप इसे गिन सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए गेमिंग डिज़ाइन में, या फिर आप ट्वेल्थ के बाद आप जो है इंटरमीडिएट करने के बाद भी आप कोर्स कर सकते हैं।
ओके सो यहाँ पे आप गेम डिज़ाइनर मस्ट प्रोसेस बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए गेमिंग डिज़ाइन के अंदर। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में है आपके या इंजीनियरिंग आपने किया है तो भी इक्विवेलेंट है। रिक्वायर नो स्पेसिफिक एंट्री लेवल, ओके सो रिक्वायर नो स्पेसिफिक एंट्री लेवल। ऑल दो इफ कैंडिडेट्स आर अंडर ग्रेजुएट डिग्री देन, अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है देन आप प्रीफर किए जाएंगे। और बेसिकली आप एमकॉम की एमसी किए हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है आपने, एमटेक किया है तो डेफिनेटली आपको जगह मिलेगी। उसके बाद कोर्स कैलकुलम कैसा होता है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोर्स जो होता है बेसिक आर्ट्स होता है, डेवलपमेंट पाइपलाइन होती है, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन होता है, प्री विजुअलाइजेशन ऑफ लेवल डिज़ाइन होता है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल स्कल्पटिंग होती है, रिगिंग ऑफ एंड एनिमेशन ऑफ गेम्स होता है, नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर मॉडलिंग होता है, इंट्रोडक्शन टू गेम इंजन होता है, गेम थियरी, गेम कॉन्सेप्ट आर्ट, इंट्रोडक्शन टू 3D, टेक्सचर इन गेमिंग गेम्स, एनवायरमेंटल मॉडलिंग, स्टेलाइज कैरेक्टर मॉडलिंग, नेक्स्ट जन व्हीकल मॉडलिंग, एसेट इंटीग्रेशन इन टू गेम इंजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे बैचलर कोर्सेज कौन कौन से हैं गेम के लिए, BSc इन गेमिंग कर सकते हैं, BSc इन एनिमेशन इन गेमिंग कर सकते हैं, BSc इन ग्राफिक्स एनिमेशन इन गेमिंग कर सकते हैं, BSc इन एनिमेशन गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें हैं। आप बैचलर इन BA इन एनिमेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इन गेम डिज़ाइन, BA ऑनर्स कंप्यूटर गेम डिज़ाइन में, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड गेम डेवलपमेंट, BTech ऑफ इन बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्ट्स यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में आप कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। मास्टर डिग्री आप MSc इन गेमिंग कर सकते हैं, MSc इन गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, MSc इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी इंटीग्रेटेड MSc इन मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड विद गेम आर्ट्स डिज़ाइन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है एस्पिरेंट्स को जिसके ऊपर काम करते हैं आप, वो सॉफ्टवेयर कुछ है एडोब फोटोशॉप, ऑटोडेस्क मडबॉक्स, ऑटोडेस्क 3Ds Max, Unity, ये चीज़ें हैं। गेम जॉब जो गेम डिज़ाइनर होता है उसकी जॉब प्रोफाइल कुछ है, 2D गेम डिज़ाइनर, 3D गेम डिज़ाइनर, इंटरेक्टिव आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू आर्टिस्ट, 3D एसेट आर्टिस्ट, इंटरेक्टिव प्रोडक्ट डेमो आर्टिस्ट, 2D वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, 3D वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक स्टिमुलेटर एंड गेम टेस्टर, ये सारी प्रोफाइल्स होती हैं। अब जॉब रोल कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी जॉब बात कर लेते हैं। जॉब रोल क्या होता है कि किस जॉब पे आप जाने वाले हैं, गेम एनिमेटर, गेम ऑडियो इंजीनियर, गेम डिज़ाइनर, गेम प्रोग्रामर, गेम क्रिएटिव गेम डायरेक्टर, गेम आर्टिस्ट, गेम सिस्टम डिज़ाइनर एंड QA गेम टेस्टर, ओके तो ये प्रोफाइल होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आप जॉब पा गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, बिकॉज मोर पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें, तो आपको कंस्ट्रक्ट लेवल स्ट्रक्चर करना है, स्टोरी बोर्ड ऑफ एक्शन ऑफ द गेम, कैरेक्टर की बायो लिखनी, स्टोरी लाइन लिखनी है, प्लॉट पॉइंट्स करना है, डायलॉग, गेम ऑब्जेक्टिव, डेवलप एंड डिज़ाइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एक्शन सीक्वेंस, डेवलप अर्ली प्रोटोटाइप्स, डिफाइन यूजर इंटरफेस, कंट्रोल एंड माइनस, जनरेट द GDD गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, लीड डेवलपमेंट प्रोसेस, डिसाइड प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेज ऑन विच गेम्स टू बी प्लेड, कहाँ पे करेंगे आप, विंडोज़ पे चलाने वाले हैं, मैक पे चलाने वाले हैं, लिनक्स पे चलाने वाले हैं, मोबाइल में चलाने वाले हैं, OS में चलाने वाले हैं, OS मतलब iOS में चलाने वाले हैं या फिर एंड्रॉयड में चलाने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे चलाने वाले हैं, कहाँ चलाने वाले हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट साउंड इफेक्ट म्यूजिकल स्कोर डायलॉग साउंड एडिट एंड साउंड मिक्स, कंसीव एवरी गेम एलिमेंट इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक रूल्स ऑब्जेक्ट्स वेपन्स व्हीकल्स फ्लोरा फोना जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपके पास ये जो हैं वो आपको करना है। अब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन कौन सी हैं गेम की, इंडस्ट्रीज़ कहाँ मिलेंगी आप, जॉब तो प्रोफाइल आपकी सेट हो गई है, सब कुछ सेट है, कोई लोड नहीं है, तो कहाँ पे आप जॉब पाएंगे, तो जॉब जो है आप ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज में पाएंगे, क्रिएटिव एजेंसीज में पाएंगे, एडवर्टाइजिंग फर्म में पाएंगे, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइजेशन में पाएंगे, ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन में पाएंगे, एजुकेशन प्रोवाइडर एंड एजुकेशन रिसोर्स सप्लायर में पाएंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास, PR कम्युनिकेशन मार्केटिंग फॉर्म, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, ट्रेड एंड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कहीं भी आप जॉब पा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन सी हैं गेम की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज गेम पाने के बाद कहाँ पे आपको जॉब पाना है, तो 2PI इंटरेक्टिव हैदराबाद में, अपार गेम्स मुंबई, 99 गेम्स कर्नाटका, क्रिएटिव सॉफ्ट नोएडा, और गेम्स टू विन मुंबई, ध्रुवा इंटरेक्टिव बेंगलोर, GSN गेम्स इंडिया, गीक मेंटोर नोएडा, बहुत सारी जगह हैं।
ओके अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं, पे स्केल कैसा होगा। तो गेम एनिमेटर का स्टार्टिंग जो है वो 228 से लेके मीडियम 3.6 से लेके हाई अप टू 16 लाख तक जाता है। वहीं क्रिएटिव गेम डायरेक्टर का 30 लाख तक की भी सैलरी होती है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू गो एंड चेक इट आउट। ओके अब बात कर लेते हैं गेम आर्टिस्ट की, जो है गेम मार्केटर, पीआर, क्यूए, गेम टेस्टर, डिज़ाइनर वगैरह के हर एक की सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प किया, डेफिनेटली यू शुड गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई, तो नहीं आई तो डिसलाइक करें, अपना वोट ज़रूर दें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, कुछ भी परेशानी है जो चीज़ें मैंने नहीं कवर की, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके क्या क्वेश्चन हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बट बेसिकली कमेंट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट स्पैम में जाता है या फिर हमारे तक नहीं पहुंचता है, बिकॉज थोड़े रिसोर्स की कमी है, वी कांट ऑब्जर्व एवरी कमेंट। बट इफ़ यू वांट वन ऑन वन कंसल्टेंसी, डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू आउट आपके करियर प्लानिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।